राहुल गांधी जी, आपको सभी राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को अपनी ईडी एनफोर्समेंट के पेशी के समय क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्या ऐसा डर है कि आप स्वयं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए घबरा रहे हैं? लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी हालत है और अब अंगूर खट्टे हैं ऐसा लगता है कांग्रेस को देखकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के चलते राहुल गांधी द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को इकट्ठा करने पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे हैं तो उन्हें डर किस बात का लग रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दो एसोसिएट विधायकों द्वारा बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस को कुछ गलत लगता है तो वो विधानसभा स्पीकर के पास जाकर नियमों का हवाला दे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। इससे पहले जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत पड़ते ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पिपलू में शुक्रवार को एकादशी के मौके पर होने वाला मेला शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किया। कौन से नियम विधानसभा के? अगर एसोसिएट मेंबर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उसका विरोध अगर कांग्रेस करती है तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो स्पीकर महोदय के पास जाएं अगर उनको लगता है कहीं पर नियमों का पालन नहीं किया गया। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी हालत है और अब अंगूर खट्टे हैं ऐसा लगता है कांग्रेस को देखकर। लेकिन सर, जो निर्दलीय विधायक है कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो बड़े ऑफिस बेयरर हैं उनके खिलाफ और इवन की मंत्रियों के खिलाफ वो आगे बढ़ते रहे हैं, काफी कुछ जो है वो टिप्पणियां करते रहे। क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी का लेना चाहिए? पार्टी के सब ध्यान में रहता है, शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में होगी सब बातें। सर, राहुल गांधी का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जो है वो ना ही देश की जनता के और ना ही देश के जो है वो हो सकते। राहुल गांधी जी, आपको सभी राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को अपनी ईडी एनफोर्समेंट के पेशी के समय क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्या ऐसा डर है कि आप स्वयं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं? और क्या ये छटपटाहट है कि आपको सभी सांसदों को बुलाना पड़ रहा है? आखिरकार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, वरना भय किस बात का।